अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो मैं जा रही हूँ मिलिया की दवाई लेने के लिए, क्योंकि मैं अकेली इनको दवाइयाँ घर ही ला कर देती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। ठीक है, के बाद किधर बस चलो ठीक है, फिर दीदी का ख्याल करना, तो मैं आऊँगी थोड़ी देर तक, दीदी की दवाई वगैरह ले आऊँ ना। ठीक है, चलो बाय बाय, मैं अभी जाती हूँ। और ये मेरी थोड़ी सी मशीन का मसला है, इसको मैं दुकान से चेक करवा के लाती हूँ, इसको क्या मसला बन गया। आपको पता है ना कि मैं पार्लर का भी काम करती हूँ। तो ठीक है, अभी फिर हम चलते हैं, ठीक है, इसकी स्टोर से दवाइयाँ लेके आते हैं। तो यहाँ पे जी हम ताला लगा देते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है, मिला चलो ठीक है फिर। हैं, आपको पता ही है कि मिलिया कितनी ज़हीन है, कितनी समझदार है, ठीक है। तो उसकी हो गई है जी तबीयत ख़राब, उसने टेंशन ली है अपने पेपर की, मुझे बताया नहीं कि मुझे ये आता नहीं है, वरना मैं उसको समझाती, तो ज़्यादा बीमार होगी, बुखार उसको बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी मैं दवाई लेके आती हूँ स्टोर से, अगर उससे आराम आ गया तो ठीक है, वरना फिर शाम को इसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। मैं बच्चों को ज़्यादातर ना दवाइयाँ अपने पास से ला के देती हूँ, अब इतने तो धक्के खा लिए, हर दवाई का पता है। तो यहाँ पर आपकी एमन चलते जा रही है। बाजार आ गई हूँ, ठीक है, इतना रश है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज्यादा रश है। अभी मैं अंदर जा रही हूँ, तो ये जी दोनों सिरप है जो मैंने करवा लिए। तो यहाँ पे जी इन्होंने ये वज़न वाला रखा हुआ है, तो वज़न करते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे जी कपड़े वगैरह धोने की बड़ी टेंशन होती थी, एक पाइप ली आई, ये सब्जी ली है मैंने, और ये दवाइयाँ ली हैं बच्चों की, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ से कोई रिक्शा वगैरह लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जी मैं स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ, ये मैंने निकाल के रखी है बच्चों के लिए। रिक्शा तो मुझे मिला नहीं, चलते चलते मैं तो शहीद हो गई हूँ चल चल के। तो अभी फिर पहले मैं मम्मी के घर जाऊँगी, फिर पानी शानी पियेंगे, तो फिर अल्लाह, तो फिर मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं आई थी, यहाँ पे तुम्हारा आना भी बेकार है, यहाँ पे तो तंबू तान के तो लेटी हुई है, है? हाँ सोमो। तो लेटी हुई है, उठ नहीं रही, ये उठ, देख ले उसको पता है वीडियो बन रही है। कह रही ना कर, चल ठीक है मैं चली हूँ भाई, मेरे बच्चे बीमार है, मैं घर जाना छेती, यहाँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं सी मैंने लगन दी। तो यहाँ पे जी मैंने गोश्त करवाया है 200 का, तो जी भी बार मैं घर आ गई हूँ, तो इधर देखिए मेरा सोना बेबी। हेलो। इतनी इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी इसको देती हूँ मैं दवाई।
नहीं कड़वी है। नहीं थोड़ी सी पी लो ना, थोड़ी सी बस, दोनों थोड़ी थोड़ी पी लो। हैं छी छी, बैठो इसको भी मैं देती हूँ। नहीं धन्यवाद, थोड़ी थोड़ी बस। तो गैस भी हमारी आ गई है। बस बस मैं दे देती हूँ। तो आज मिलिया बीमार थी, फिर भी पेपर दे के तो आई है। मैं बना रही हूँ उनके लिए अंडे, इनको कुछ खाने पीने को दे के तो फिर इनको वो दवाई वगैरह दूंगी। तो अभी तक हमारी वीडियो ही नहीं बनी। यान के हाथ में अंडा है, यान दे दो बेटा। यहाँ पर अंडा टूटने वाला है। वाह, अंडा मेरा होगा। छिलका ही अंदर चले गया। यहाँ पर ये अंडा बन रहा है। मुझे ऐसे का ही चाहिए, उल्टा नहीं करना। अंडा भी रख रही है पापा, मुझे ये वाला चाहिए। यार बाबू टूटा ही नहीं है, टूटा ही है। यहाँ पर ब्रेड आ गई है। ब्रेड जब इनको बुखार वगैरह होता है ना, तो सबसे पहले मैं इनकी जो रोटी है ना वो बंद करती हूँ, ताकि ज्यादा मसला ना बन जाए। मैं सुबह घी वाली खानी थी, मम्मा ने सुक्की दे दी है। सुक्की क्यों दी थी सुबह? ब्रेड ब्रेड सुबह भी मैं ब्रेड और अंडा लेके जाऊंगी स्कूल। सुबह छुट्टी है कितने ब्रेड? तो यहाँ पे जी मैंने ये गरम कर ली है, ठीक है। तो अभी मैं अपने बच्चों को देती हूँ। यहाँ पर ये ब्रेड आने वाले हैं। हर मम्मा कह रही है प्लेट नहीं अच्छा है। ये देखो दो ब्रेड देख। ये ले ले। और ये तो मेरी साइड है। बद दो बद दो दो ले लो ना दोनों। ओए ये तो ज्यादा जल गया। चल तो यहाँ पे जी बच्चे खा रहे हैं। चल काके तू भी आराम से बैठ जा, ये क्या तू किए जा रहा है? तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ था, कभी इस पे भी वीडियो बनाएं। मेरा डिवोर्स हुआ था मेरे शौहर की हरकतों की वजह से, ठीक है। वो बस उनके हालात कुछ ऐसे थे कि जिस काम से भी रोकती थी वो ज़्यादा करते थे, जिस काम से मैं मना करती थी वो ज़्यादा करते थे। और 10 साल मैं उस घर में रही हूँ। बहुत अच्छी हमारी लाइफ थी, बहुत अच्छी हमारी लाइफ थी। बस मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, जब तक मेरा ससुर था उस घर में मेरी एक मेरा मकाम था और एक मेरी पहचान थी। अब मेरा जब जिन्होंने मेरे पीछे बोलना वो ही नहीं रहे, मेरे ससुर ही नहीं रहे, तो आगे बोलना किसने था, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड जो मेरे जो शोहर साहब हैं वो मेरे सिर्फ और सिर्फ ससुर से डरते थे। जैसे उनकी डेथ हुई वैसे वो मतलब कि अपने आप से बाहर हो गए। उन्होंने ये दो बच्चे नहीं देखे, उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। और उनको ये भी पता था कि मेरा यानी कि मेरे माँ बाप को भी वो अच्छी तरह से जानता था, भाइयों को भी अच्छी तरह से जानता था कि वो इनको या मुझे अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि ईद शबरात कुछ भी होता था ना, वो वैसे भी मेरी अम्मी अबू भाई तो अभी 10 साल के बाद 10 साल के बाद मेरे घर आया है। वो मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी बता रही हूँ। तो रही बात अम्मी की, अम्मी अबू शुगर के मरीज़ हैं, वो ज़्यादा सफ़र कर ही नहीं सकते थे। इस वजह से फिर मैंने जो ससुराल में, इस वजह से ये ताना भी मुझे एक लग जाता था कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं आता, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आता, ठीक है। उसको सारा पता था कि मेरा माँ बाप कैसा है, बहन भाई कैसे हैं। तो फिर भी उसने हमें, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला इस दुनिया में छोड़ दिया। अगर आज अल्लाह ताला के वो नेक बंदे ना होते, नेक वो लोग हमारे सर पे हाथ ना रखते, तो आज पता नहीं
मैं ना होती, या हो सकता था मेरे बच्चे ना होते, या हो सकता था मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाता, या हो सकता था कि मेरी बेटी के साथ कोई हादसा हो जाता, क्योंकि मैंने बहुत सारे धक्के खाए, अभी तक भी मैं खा रही हूँ। 6 साल पूरे हो गए, ये 7वां साल लग गया बच्चों के साथ धक्के खा रही हूँ, और इस तरह के धक्के खुदा किसी को बिना दिलाए। और बस हर एक को अपने हिफ्ज ईमान में मेरा सोना मालिक परवरदिगार रखे, किसी को भी इस तरह से अनाथ। मैं माँ बाप के होते हुए भी आपको पता है कि अनाथ थी, अभी भी मेरे जो बहन भाई हैं वो सब बस उस दिन आए। आपको पता है पहले भी मैं अपने बच्चों को ताले लगा लगा के जाती थी, अभी भी। तो बस आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने, मैं कहती हूँ कोई रब का ऐसा परवरदिगार का कोई ऐसा फरिश्ता आए ना कि जो मुझे मेरे बच्चों के पास, मैं इनको देख सकूँ, इनके पास रह सकूँ। मुझे ज़ाहिर है हमें कोई, हमारे घर में कमाने वाली तो मैं ही हूँ ना, मैं कमाती हूँ अपने बच्चों के लिए। अगर मैं घर रहूँगी तो मैं किस तरह से ये सारे इनकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँगी। तो मैं ज़्यादा टेंशन से, वो ना रंग राय, ना रूप राय, ना कुछ और, ना ख्वाहिशें रही हैं। ख्वाहिशें भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ख़त्म हो जाती है जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। तो दिल तो नहीं चाहता किसी तरह की भी बात करने को, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि बात करनी पड़ती है। अब मैं अपनी बहनों से दूर हूँ, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के मेरे बच्चों के पास रहे। हर बंदा, हालात ऐसे हैं, हर बंदा अपनी 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 ना उसमें लाइफ में मसरूफ है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो ठीक है, मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। आपने बहुत सारा प्यार देना है, अपनी एमन की आवाज़ बनना है, एमन का साथ देना है, और एमन के बच्चों के लिए दुआ करनी है। ये देखें कि छाती इतनी ख़राब है ना, तो सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी मैंने इनको ये बना के दिए, तो अभी मैं फिर इनको दवाई दूँगी, फिर दुआ करना कि ये बेहतर हो जाए, ठीक है। सारी रात इसने मुझे सोने नहीं दिया, सारी रात। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।